हेलो दोस्तों, आज मैंने कुछ मीठा बनाया है और ये है सेवई कस्टर्ड, बेजल सीड के साथ है और इसमें ढेर सारे फ्रूट्स भी हैं। इंग्रेडिएंट हमने निकाल लिया है, कस्टर्ड पाउडर और शुगर है, साथ में दूध है और महीन वाली सेवई हमने आज ली है, थोड़ा सा रोज़ सिरप है और बेजल है, साथ में फ्रूट्स हैं अपने मनपसंद के। सबसे पहले हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे और इसी टाइम में हम शक्कर भी डाल देते हैं। सेवई हमने बारीक वाली यूज़ की है, आप चाहें तो मोटी सेवई भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर लगभग 1 से 1.5 चम्मच उसको घोल लें और दूध गाढ़ा होने के बाद हम उसमें सेवई डाल देते हैं। सेवई अगर मोटी वाली यूज़ कर रहे हैं तो उसको भून लें, ये भुनी हुई सेवई थी और बारीक सेवई है और तुरंत ही ये सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद थोड़ी कंसिस्टेंसी हमको गाढ़ी लग रही थी तो हमने हाफ कटोरी दूध उसको भी डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी सही कर ली है। और जब तक सेवई ठंडी हो रही है, बेजल सीड को फूलने के लिए रख दें। हाफ कटोरी पानी में 1 चम्मच बेजल सीड बहुत होता है और 10 से 15 मिनट में बेजल सीड फूल जाएंगे। असेंबल करने के लिए एक कटोरी या ग्लास लें, उसमें सबसे पहले नीचे बेजल सीड को डालें। बेजल सीड बहुत हेल्दी होती है, हमें खानी चाहिए बेजल सीड। और इसके बाद हम रुआब्जा डाल देते हैं। रुआब्जा डालने से बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा कस्टर्ड में और ठंडी की हुई सेवई डाल दें। सेवई कस्टर्ड में थोड़ा फालूदा का टेस्ट आएगा, थोड़ा सेवई का और थोड़ा कस्टर्ड का, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फ्रूट्स हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमने पपीता, सेब, अनार और कीवी यूज़ किए, आप अपने मनपसंद के कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। और ठंडा ठंडा ये फ्रूट कस्टर्ड खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये रेडी है सर्व करने के लिए। ऊपर से थोड़े से नट्स और रोज़ सिरप से हमने गार्निश किया है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। नई रेसिपीज देखने के लिए एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।